हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अमेज़न शॉपिंग हॉल। तो इसमें एक तो मेरा बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट है जिसको मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, माय फर्स्ट गेस बैग। तो यस, आगे दिखाती हूँ। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ। सबसे पहले आते हैं फुटवेयर के ऊपर। तो मैंने दो बहुत ही क्यूट से शूज ऑर्डर करे हैं। दीज आर द शूज, वेरी क्यूट कलर, बहुत ही क्यूट है। मतलब दे आर नॉट लाइक ऐसे स्पोर्ट्स शूज वगैरह नहीं है, जस्ट ऐसे फैशन वाले शूज है। इनका सोल काफी इतना थिक, इनका अंदर से सोल है तो आपको बहुत अच्छी हाइट मिल जाती है, बहुत कंफर्टेबल है। कलर इनका बहुत प्यारा है, आप इनको इवन रेनी सीजन में भी पहन सकते हो। पीछे से इनका जो सोल है वो भी बहुत अच्छा है। कुछ नया ब्रांड ट्राई किया है मैंने, इसका नाम है रजमस। आई रियली लाइक दीज शूज। डल सा कलर है, उसको आप थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हो उस तरीके के शूज के साथ। कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस। मैंने कभी भी व्हाइट फुटवेयर नहीं पहने, व्हाइट मतलब मैंने सिर्फ शूज पहने हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दीज व्हाइट फ्लोरल से मेट्रो के हैं ये फुटवेयर। एंड मुझे ये इतने प्यारे लगे थे, बहुत ही स्मार्ट लगे थे। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे। एक तो इसका जो फ्लोरल वाला ट्रांसपेरेंट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो हील है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप इनको ना बहुत प्यारे प्यारे सूट्स होते हैं उन पे तो पहन ही सकते हो, आप अच्छे ड्रेसेस पे पहन सकते हो। दैट्स वाई आई ऑर्डर्ड दिस वन। की जो कुशनिंग यहाँ पर दी हुई है ना सोल की, वो बहुत बहुत अमेजिंग एंड बहुत कम्फर्टेबल है। सो आई रियली लाइक देम। और हील भी इनका एकदम प्रॉपर है, तो मतलब आप डे टू डे वेयर में भी पहन सकते हो। इनफैक्ट ये साड़ी पे भी बहुत सुंदर लगने वाले हैं। सो दीज आर माय सेकंड पीस। कमिंग टू माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल इज दिस गेस का बैग। तो मेरे दिस इज़ माय फर्स्ट एक्चुअली गेस बैग, और ये मेरा सेकेंड हाई एंड ब्रांड है। मतलब फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है। सो दिस इज़ माय सेकेंड बैग जो कि थोड़ा हाई एंड सा है। बहुत अच्छे डिस्काउंट चल रहे थे उस पर मैंने लिया हुआ है। एंड आई रियली लाइक दिस कलर। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही वर्सेटाइल एंड यूनिवर्सल कलर है। थोड़ा सा छोटा लगा बट मुझे सही लगा ये। इसको मैं ओपन करके बताती हूँ। अभी मैंने इसको पैक ही रहने दिया है, मतलब ये जितने इसको हो गया है, आए हुए 1 मंथ हो चुका है, इस पैक ही रखा हुआ है अभी, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रही हूँ तो यूज़ में नहीं आ रहा है, तो फालतू डस्ट वस्ट आ जाएगा, उसका शेप खराब ना हो जाए। तो उसके लिए मैंने उसके अंदर जैसी स्टफिंग थी वैसे ही रख के रखा हुआ है। तो ये अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर एक जिप दी हुई है, दैट्स इट। यहाँ पर कार्ड रखने के सेक्शंस दिए हुए, दिख रहे हैं आपको, इतना ही स्पेस है। एंड ठीक है, आई रियली लाइक इट। शोल्डर बैग है ये, मिनी शोल्डर बैग बोलूंगी मैं इसको। इसमें जब ये गोल्डन कलर की डिटेलिंग्स और हार्डवेयर्स होते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट गेस बैग, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। क्वालिटी ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छी थी, प्राइस वाइज मुझे काफी सही लगा ये। कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस फॉरेस्ट एसेंशियल का सन फ्लूइड टेंडर कोकोनट वाटर विथ टर्मरिक एंड बेसिल लीफ SPF 50 PA। डबल प्लस है इसमें, ट्रिपल प्लस भी नहीं है। तो मैं अभी तक जो सनस्क्रीन यूज कर रही थी वो ब्रांड प्रोवाइडेड सनस्क्रीन ही यूज कर रही थी, जो कि मेरे अब खत्म हो चुके हैं फाइनली। और अगर आप मेरी फेवरेट सनस्क्रीन की बात करो तो पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत पसंद आती है, मतलब फॉरेस्ट एसेंशियल की। एक तो बहुत ही एकदम पानी की तरह लिक्विडी है, और स्किन पे बिल्कुल भी ना ऐसा हैवीनेस नहीं लगती है। और दूसरी चीज, नाउ आई बिकम अ ड्राई स्किन पर्सन। आपको भले ही अभी मेरे फेस पे ड्राइनेस नहीं लग रही होगी, जो अच्छा सा कुछ जो शाइन और शीन प्रोवाइड करे फेस को, वैसी चीजें चाहिए होती है। सो दिस इज लाइक दैट ओनली, आपके फेस को बहुत अच्छा सा ग्लो देती है। सो दिस इज माई नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद मेरा फेवरेट, मतलब ये मेरा थर्ड या फोर्थ बॉटल परचेस है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट है वो है अगेन ये फॉरेस्ट एसेंशियल का। दिस इज AN, मतलब अनारस लिप बाम है ये। बहुत अच्छा सा कलर भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपके लिप्स को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट अगेन। सो ये एंड ये रहा मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट है ये। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। तो दिस इज अ वेरी क्यूट मिनी सा ब्रश सेट है ये। ये देखिए, इसमें एक तो ये छोटू सा ब्रश दिया हुआ है, दूसरा ये पाउडर ब्रश दिया हुआ है, और तीन यहाँ पर आई मेकअप के ब्रश दिए हुए हैं। बेस्ट फॉर ट्रैवल पर्पस, अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं आपके लिए तो बहुत ही परफेक्ट है, बिकॉज ये जो मिरर है ना ये बहुत अच्छे साइज का है, तो आपको रेडी होने के लिए भी बहुत अच्छा है। सो आई रियली लाइक दिस वन। बहुत अच्छे और अफोर्डेबल रेट में मुझे ये मिल गया था। ये ब्रश क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। सो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस बैग ऑर्गेनाइजर। तो ये जो मैंने एक हाई एंड थोड़ा सा बैग लिया हुआ है, काफ़ी बड़ा सा टोट बैग है वो, तो अभी मैं बताऊंगी उसको भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जल्दी ही उसके बारे में। सो ये उसके लिए, उसमें रखने के लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ एक जिप है, कोई पार्टीशंस नहीं है, तो अच्छे से मेरा सामान ताकि ऑर्गेनाइज रहे उसके लिए मैंने ये बैग ऑर्गेनाइजर लिया है। और कलर बहुत अच्छा है उस बैग के साथ, एकदम परफेक्ट जाता है। गोल्ड टोन्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसमें सामान भरना स्टार्ट कर दिया है। बाद इधर पे आप अपना स्टफ़
फिल इन कर सकते हैं। अब अपनी छोटी मोटी जो चीजें भी होती है, क्लिप्स हो गई, रबर बैंड्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए, एयरपॉड्स हो गए, बहुत हम छोटी छोटी चीजें बैग में लड़कियां रखती है, लिप बाम रखती है, लिपस्टिक रखती है, मतलब उसके लिए बहुत अच्छे से सेक्शनिंग दी होगी, आप अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे रख सकते हैं। रियली लाइक दिस, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। सो इफ यू आर समवन हु लुकिंग फॉर अ गुड बैग ऑर्गेनाइजर, गो फॉर दिस वन। बाकी जो मैंने देखे थे दो तीन, काफी फ्लिमजी से थे। एक मैंने मंगवाया था बट उसको रिटर्न कर दिया बिकॉज मुझे पसंद नहीं आया था। उसके बाद जब ये आया तो आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस वन। सो ये है मेरा लास्ट प्रोडक्ट। सो येस, दैट्स इट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय।